यूर वॉचिंग E9 न्यूज। क्या दे रू मैं आप लोगों को कि ऐसी हरकत मत करो साहब, बुजुर्ग को परेशान मत करो, इसकी हरकत मत करो, पब्लिक स्टैंड अपनी जगह। अच्छा सुनो यार, अब तुम समझा दिए, मैं समझ गया, मैं डर गया। हाँ। मैं तुम्हारी कसम खा के बोलूँ, आज के बाद मैं उनके नाम में नहीं जाऊंगा, तुम्हारे को भी नहीं सताएंगे। अगर मैं कसम तोड़ा तो तुम मर जाओ। मैं कसम, आप की कसम का कोई भरोसा नहीं है साहब, आप तो इधर भी कसम खाए थे और वो तो बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठी कसम खा रहा हूँ तो तुम मर जाओ। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फारिस कादरी बोल रहा हूँ जी। फारिस कादरी बात कर रहा हूँ। ओहो शहजादे, कैसे हैं, आगे बाहर आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। बाहर बोले तो बीजेपी और आरएसएस और एमआईएम, ये तीनों पार्टियां मिल लेके लाखों रुपया खर्चा करके एक 8 घंटे बिठाया, उसके बावजूद भी मैं बिस्तरी और अपना पिज्जा बर्गर मस्त वहाँ पे खा के मौज कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप पिज्जा बर्गर खाते रहो, अच्छी सेहत बनाते रहो, बार बार जाते रहो, हमारी तो यही दुआ है। मैं ये बोल रहा था, ये चीप कामा करना छोड़ो साहब, वो बेचारे 70 साल इंसान को परेशान कर रहे सैयद सलीम साहब के। अरे वो 70 साल इंसान जो है सलाजीत खा के बेशित लेके जाता बोला यार, तो वो कौन सी अच्छी है? दे तो वो नाहिदा कादरी कभी कुछ बोलते हैं, उन्हें भी वो ऐसा नहीं होता ना साहब, इस तरीके से एमआईएम पार्टी उसमें लग गए पूरे। उन्होंने जो बोले वो भी ठीक है, गलत बात है, बट ऐसा कोई लेडीज को नहीं बोलना। बाकी वो भी कौन से एमआईएम का पूरा एजेंडा चला के रखे उन्होंने, एजेंडा पूरा नहीं बताओ ना तुम, ऐसा दोनों आपस में बोलना ठीक नहीं है, ये बोलो ना। दोनों आपस में बोलना हो बात अलग हो गई, कभी उन्हें फारिस कादरी आरएसएस का एजेंट है कहते बोलते यार। देखो अच्छे आदमी आरएसएस के एजेंट वेजेंट रहे तो तुम बोले ना, अभी बर्गर वर्गर खाते अच्छा, पुलिस के जो है दामाद रहे, आरएसएस के एजेंट रहे तो पुलिस स्टेशन में बर्गर वर्गर खिलाते ऐसा। हमारे जैसे लोग अगर तो बिना केस से 8 घंटे तुम आरएसएस वाले और बीजेपी वाले मिलके जो फारिस कादरी को टॉर्चर करें, मेरे को जितना परेशान कर लेना है कर लो, डरने बिचकने वाला नहीं हूँ मैं, बाउंस बैक कर रहा हूँ अभी, पूरा हिसाब 1-1 रुपए का लूंगा मैं और नेक्स्ट टाइम से आप कहीं मर जाओ। अरे इतनी जल्दी नहीं मरता फारिस कादरी, कितने 50 लाख खर्चा करे, 60 लाख खर्चा करे थे घुसड़ने में अंदर फारिस कादरी को। नहीं अगर ऐसा झूठी कसम खाए तो तुम मर जाओ, हम तुम्हारे को बोल रहे हैं कि हम जो है तुम्हारी बात, मेरे को टेंशन नहीं रहता साहब, अपन तो शेर दिल इंसान है, फ्रीडम फाइटर है, भगत सिंह के भी भगत सिंह है हम लोग, समझे, भगत सिंह के जैसा जल्दी फिर फांसी चढ़ जाओ तुम भी, भगत सिंह के जैसा फांसी नहीं, मैं तो पूरा अभी एमआईएम बीजेपी आरएसएस को खत्म करने के बाद फांसी चढ़ता हूँ साहब। फारिस कादरी फांसी से भी नहीं डरता हूँ मैं, समझे, लेकिन वो बेचारे बुजुर्ग को सुनो आप, तुम बच्चे मियां, अरे बच्चा ही तो आपको परेशान कर दे रहा, बच्चे के लिए 60-70 लाख रुपए खर्चा करते, कोई गरीब को देते उतना तो अच्छा रहता था, बच्चे को परेशान करने में इतना पैसा खर्चा करते। सुनो बाबा, पहले वोटर लिस्ट में नाम लाओ, अच्छा फिर पहले आधार कार्ड अच्छा बनाओ, पासपोर्ट पे एलिजिबिलिटी बनाओ, पहले पहले उम्र बढ़ाओ, फिर मूंछ बढ़ाओ, मूंछ अल्हम्दुलिल्लाह मूंछ और वो सब से कुछ भी फर्क पड़ता था। सुनो यार मैं क्या बोल रहा, फालतू की बात नहीं करो साहब, प्लीज मैं फोन कट कर देता हूँ, सुनना है मेरी बात या खाली सुनना, उनना नहीं है, सुनाने के लिए फोन लगाए हो साहब, मैं वो बुजुर्ग इंसान को परेशान नको करो, वो बुजुर्ग को तुम भी ले लेके चले हो नागपुर को, मैं लेके चले, अरे मैं खुद हैदराबाद आ रहा हूँ, टेंशन का आईक्यू ले रहे हैं आप, दारू सलाम में बैठ के चाय पी के जाऊंगा मैं। सुनो जरा, तुम हैदराबाद से दूर बैठ के फोन करे ना बचाओ, अरे दारू सलाम में बैठ के चाय पी के जाएंगे साहब, क्या है डर अल्लाह से हमारे को, तुम्हारे से थोड़ी ना है, तुम बीजेपी आ रहे हो का काम कर रहे हो सभी दिन, अवैसी साहब भी जवाब दो तो खेल खत्म हो जाता था। बोला अरे तुम पागल आदमी है, अरे तुम्हारे को सर्वर पर मार लगा क्या, तू कोई गाड़ी वाड़ी पे गिरे थे क्या तुम? ये ना वो तो आपको लगा जब भी आप कांग्रेस छोड़ के आए। अरे मेरे को तो बहुत मारा लगे यारो, मेरा पूरा सर छिनिया है, तुम थोड़ा ना मना करे यारो, तुम कभी गिर भी गए थे क्या गाड़ी पे से? अरे साहब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो बुजुर्ग इंसान को, वो नाहिदा कादरी को पब्लिक स्टैंड करके फालतू के कामा नको करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये सबको बोलो आप लोग, ये मत करो, मैसेज पहुंचा रहा हूँ मैं, बाउंस बैक करने वाला हूँ अभी मैं, राइट। अब तो क्या तुम्हारा, अब तुम्हारी बात सेक्रेटरी की मर्जी, अरे बातों से नहीं, अभी ग्राउंड पे भी निकलते, अभी बहुत डरे हुए आप लोग, डरना क्या है, डर चुके ऑलरेडी आप, ग्राउंड पे निकले जब अच्छे स्पोर्ट्स के शूज पहन करो, भागने में आसानी होती। अरे फारिस कादरी भागने वाले में से नहीं है साहब, चलो नको भागो जो समझे, तो भी लेट हो तुम, अच्छा 4 फीट। देखो बुजुर्ग इंसान को मत करो परेशान, अच्छे इंसान है उन्होंने, अच्छे काम कर रहे हैं, और ये सब नाहिदा कादरी एमआईएम जो है ना, वो बुजुर्ग एक नंबर का बदमाश बुजुर्ग है, वो बेहुदा बुजुर्ग है, वो ऐसा वो बुजुर्ग जो है एक औरत को बेशित लेके आता हूँ बोल रहा, वो बुजुर्ग अच्छा नहीं है। और वो औरत क्या बात कर रहे,
अच्छी बात कर रहे हो औरत। मैं तो औरत की भी मजम्मत कर रहा हूँ, नहीं बोलना रावण। तो मैं खुद भी बोला ना सैयद सलीम साहब को ये वर्डे नहीं बोलना था, ठीक है एक्सेप्टेड। बाकी इस तरीके से कुछ भी के, अरे तुम जवाब दो ना MIM पार्टी, कब जवाब देते आप लोग का सेग्रेडेट की मस्जिद का जवाब? बाकी सब चीजों का जवाब 10 बार बोला यार, तुम आओ तुम्हारे जवाब देते, तुम्हारे को बोलते तुम आ रहे ना यार। अरे बिल्कुल आएंगे साहब, अभी 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 फोन पे सवाल कर ले रहे थे तुम भी देखते रहे करके ऐसा। प्यारा जवाब बोलते उसको, कड़ला जवाब बोलते। अच्छा आओ तुम जवाब दे, तुम बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ मैं, आता हूँ। अच्छा सुनो यार, बाउंस बैक। हाँ अच्छा सुनो, वो इंस्पेक्टर साहब सलाम बोले नहीं बोले हमारा? कौन इंस्पेक्टर? तुम्हारे नागपुर के थाने के जो इंस्पेक्टर साहब थे। तो भैया देखो, अब नागपुर में आप लोग क्या बोलते हैं RSS से, अब RSS पूरा पुलिस को मैनेज कर रहा, तो अब आप लोग RSS से आपसे पाली बात। ये तो बोलो अच्छी बात। अच्छा सुनो, वो नागपुर का पुलिस वाला RSS का है बोल के तो बोलो कम से कम, तुम्हारे को पकड़ना हो साहब। दे रहे ना नागपुर का इंस्पेक्टर सलाम बोले कि नहीं बोले, तो वो RSS का होगा ना, उन्हें तो तुम्हारे को पकड़ा सुना हो सकता। पैसे तो बहुत खिला है आप लोग का। RSS का दलाल नहीं है तुम्हारा इंस्पेक्टर, वो हमारा है इंस्पेक्टर। अब मालूम नहीं आपको, बेहतर मालूम होगा भैया। आपको सलाम कर रहा हूँ, RSS का दलाल है नहीं, उन्हें इंस्पेक्टर हो भी सकता, उसमें कौन सा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हो भी सकते हैं। अब आप लोगों से लिंक है तो मैं बिना हो भी सकता ना साहब, अब मैं बिना तहकीक करे तो नहीं किसी को दलाल है, RSS का दलाल है या फारिस खादरी बोले ये बात, हो भी सकता है। अब आप लोग बोल रहे हैं सलाम बोला नहीं, तुम है या नहीं है ये बोलो। अब अपने को मालूम नहीं, कैद में गया तुम ना था मेरे को असदुद्दीन के जैसे, असदुद्दीन अवैसी साहब के जैसे। जो तुम्हारे को पकड़ा वो RSS का दलाल है या नहीं है ये बोलो। वो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से जब लिंक है आप लोगों को सलाम कर रहे तो बिल्कुल है, सौ टक्का है। हो सकता है या है या हो सकता नहीं, यही मालूम ना साहब। हो सकता पैसों की पिक्चर होंगी या हो सकता है जो बोल रहे हैं आप वही होंगे। अब भी ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी फर्क नहीं पड़ता, पूरे शहर में सिंगल रूम का काम करता हूँ। वो इम्तियाज जलील साहब के बच्चे ढीले डाले थे, खामोश आके हुआ करके चले। अरे खामोश आके कौन से मालूम आपको उसका किस्सा? 60 साल पुरानी बिल्डिंग बेचारे मेरे दादू के हाथ का, वहाँ पे मेरे नागपुर में 4 बिल्डिंग है। वो लल्लू पट्टू बच्चे छोटी सी बिल्डिंग में आके तमाशा करके वो सब करके कहाँ बिल में घुसे मालूम नहीं पड़ रहा। देखो फारिस कादरी, जो तुम्हारी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरे पे केसा चल रहे हैं, कभी तुम मेरे हाथ को मिलो। और वो हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, जिससे चाय पानी बुलवाते रहता हूँ मैं, चाय पानी सिगरेट जिससे बुलवाते हैं ना, वो बच्चों के ऊपर में 50-50 केसा है। हमारे को भी मौका दियो चाय पानी सिगरेट का यार, वो खाली बातें करते हैं। एक काम करो, अभी आप, मैं अभी दारुसलाम आ रहा हूँ कुछ टाइम बाद में, वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। अभी रखो, देख भाई दारुसलाम में मैं बहुत अखलाक में रहता हूँ, तू बाहर मिल रहा है। दारुसलाम में सदर साहब की हिदायत पे रहते साहब आप, अखलाक में रहते हो रे भाई। सेक्रेटरी की मस्जिद का क्या हुआ? सेक्रेटरी की मस्जिद का क्या हुआ? अब भी तू शैतान की बात कर रहा था, सॉरी माफी चाहता हूँ, सलीम साहब की बात कर रहा था, अब फिर सीधा तू मस्जिद पे आ गया। देखो अभी आप शैतान बोल दे रहे बेचारे बुजुर्ग को। अरे नहीं गलती से निकला, बाप माफ कर दे ऐसा। बाजू में हॉस्पिटल है एक, वहाँ पे बैठा था मैं बाजू में, घर के बाजू में, वहाँ 15 बॉटल खून की जरूरत है सब आपको बेचते। नहीं नहीं मैं खुद आता हूँ, मैं तुम्हारे को आके 15 बॉटल ऐसा रप रप मार के निकाल के देता हूँ। अरे रे रे क्या बोल रहे साहब आप, काम बहुत है। चलो रखो, काम बहुत है हमारे को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी बहुत है। परेशान नको करो, मैं बाउंस बैक करूंगा तो किसी को नहीं छोड़ने वालू मैं। प्लीज डिस्कनेक्ट द कॉल। ओके अल्लाह हाफिज। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिग जाम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी आलम रोड, हैदराबाद।